इस धरती को जब जब कांग्रेस की नजर लगी है तब तब इसके स्वाभिमान को गहरी चोट पहुंची है। कांग्रेस की सरकार में राजस्थान के लोगों के साथ मानवता को शर्मसार करने वाली वारदातें हो रही है। उदयपुर में कन्हैयालाल जी के साथ आतंकी घटना कांग्रेस सरकार पर बहुत बड़ा दाग है। ऐसी जघन्य वारदात उदयपुर में इसलिए हुई क्योंकि यहां आतंकियों के साथ सहानुभूति रखने वाली कांग्रेस की सरकार है। साथियों, कांग्रेस सरकार की तुष्टीकरण की नीति ने राजस्थान की संस्कृति, राजस्थान की विरासत, राजस्थान के गौरव को खतरे में डाल दिया है। जैसे हालात राजस्थान में पहले कभी नहीं बने, वो पिछले 5 साल में हमने देखे हैं। किसने सोचा था कि राजस्थान में कभी रामनवमी की शोभा यात्रा और कांवड़ यात्रा पर भी प्रतिबंध लग सकता है? ऐसे अपराधी सोच वाले लोगों को कांग्रेस की सरकार में ही बढ़ावा मिला है। उन्हें सर्टिफिकेट मिल गया मर्दानगी का। इन पापियों को राजस्थान में कानून की स्थिति ये हो गई है कि अब बहन बेटियां अपने काम से खेत खलिहान जाने से भी डरने लगी है। आज राजस्थान में घर से बाहर निकलने के बाद कोई छात्रा सुरक्षित महसूस क्यों नहीं करती? आज राजस्थान की हर बहन बेटी पूछ रही है कि क्या उसे सम्मान से जीने का अधिकार नहीं है? मैं राजस्थान की माताओं, बहनों, बेटियों, आपका दर्द समझता हूं। बहनों बेटियों पर अत्याचार तभी रुकेगा जब यहां से कांग्रेस की विदाई होगी। कांग्रेस की विदाई होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? बहन बेटियों की रक्षा होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? बहन बेटियों को सम्मान से जीने का अधिकार है कि नहीं है? माताओं बहनों को गौरव से जीने का अधिकार है कि नहीं है? भाजपा राजस्थान की हर बेटी, हर बहू को ये विश्वास दिलाती है कि उसे सम्मान से जीने और सुरक्षित माहौल में घर से निडर होकर निकलने का अवसर मिलेगा। और ये मोदी की गारंटी है। साथियों, कांग्रेस ने राजस्थान के 5 साल बर्बाद किए हैं। 5 साल तक राजस्थान की सरकार इसी में उलझी रही कि कुर्सी पर कौन बैठेगा,
कुर्सी कौन खींच लेगा, अब कुर्सी बचाने के लिए क्या करना पड़ेगा। ये कुर्सी की इस लड़ाई में कांग्रेस ने जनता के मुद्दों की परवाह नहीं की। कांग्रेस ने राजस्थान के गरीबों, दलितों, वंचितों के लिए कुछ नहीं किया, वो कुर्सी के लिए लड़ते रहे। और अब चुनाव आए हैं तो पहले वो झूठे वादों का झुंझुना लेकर आदतन मैदान में आ गई है। उनके हर वायदे झूठे साबित हो रहे हैं, उसे हम सब देख रहे हैं।